जय हिंद। इस वीडियो में हम ट्राइडेंट कंपनी पर बात करेंगे। पिछली बार जब मैंने ट्राइडेंट के ऊपर वीडियो बनाया था तो आपको बताया था कि 10 तारीख के इसके बिजनेस का अपडेट आने वाले हैं। हर माह में 10 तारीख को जो कंपनी अपना बिजनेस का लेखा जोखा अपने शेयर होल्डर के सामने प्रदर्शित करती है वो अपडेट आ चुके हैं। तो बिना किसी देरी के आपको सीधे बोर्ड पर लेकर चलते हैं और उस अपडेट के बारे में जल्दी से आपको बता देता हूँ कैसा आया है अपडेट। क्योंकि अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं या नहीं भी और नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए जानना जरूरी होता है कि कंपनी का कामकाज आखिर चल कैसे रहा है। तो आइए इसके बारे में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा एक झलक आपको दिखला दूँ आज के कामकाज पर। तो मार्केट कैप कंपनी का 28,000 करोड़ तक पहुंच चुका है, आपको पता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊं, भारत में टेक्सटाइल सेक्टर की, आपको पता है ट्राइडेंट टेक्सटाइल सेक्टर की लीडिंग मैन्युफैक्चरर कंपनी है। उसमें आपको यह जान जाइए कि 300 लगभग 300 टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनियां हैं भारत में। और इस 300 टेक्सटाइल कंपनियों में से जो ट्राइडेंट कंपनी है सेकेंड लार्जेस्ट होम टेक्सटाइल कंपनी है। 300 में से कितना स्थान है, दूसरा स्थान है मार्केट कैप के लिहाज से भी और कंपनी के बिजनेस मॉडल और उसके काम धंधा के हिसाब से भी। भारत में यह टेक्सटाइल सेक्टर की लीडिंग और उभरती हुई कंपनी बनती जा रही है। समझेंगे शेयर प्राइस है 55 रुपये 80 पैसा। देखिए पिछले दिनों जो मार्केट डाउन गया था तो शेयर प्राइस काफ़ी नीचे चला गया था, लगभग 49 रुपये के आसपास तक चला गया था। लेकिन अब इसमें जाके इसका जो ग्रीन सिग्नल चालू हुआ है कह सकते हैं, शेयर प्राइस ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया है। और जब शेयर प्राइस में उछाल आया है तो एक सप्ताह का रिटर्न देखिए, एक सप्ताह में इसने 8% का शानदार रिटर्न दे दिया है। अभी शेयर का जो ग्राफ है ट्रेंड ग्राफ में है, अर्थात शेयर प्राइस आप इसमें देख सकते हैं कि इतना तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है। और अगर ऐसे ही कुछ दिन तक अप ट्रेंड ग्राफ इसमें बरकरार रहा तो इसने जो हाई लगाया था लगभग 68-69 रुपये के आसपास उसको जल्दी ब्रेक करते हुए नजर आ सकता है। अब आइए उस अपडेट पर चलते हैं जिसके लिए यह वीडियो है। समझेंगे अपडेट है 10 मार्च का। 10 मार्च को हर एक माह में 10 तारीख को कंपनी अपना बिजनेस का लेखा जोखा प्रदर्शित करती है। इसको कहते हैं बिजनेस नंबर प्रेजेंटेशन। कंपनी अपना बिजनेस का जो अपडेट होता है उसको 10 तारीख को हर एक माह को प्रेजेंट करती है। तो कल 10 तारीख था, कल के दिन ये अपडेट आया है, बहुत शाम तक आया था तो कल रात में मैंने वीडियो नहीं बना पाया था इसके ऊपर। तो अभी ये समझेंगे कंपनी, आपको पता है कई सारे सेगमेंट में काम करते हैं, मेन इसका होम टेक्सटाइल का बिजनेस, उसके अलावा पेपर इंडस्ट्री में केमिकल सेक्टर में भी कंपनी काम करती है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले होम टेक्सटाइल से शुरुआत करते हैं। तो होम टेक्सटाइल्स में देखिए बाथ लाइनन, बेड लाइनन और यार्न का यह कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो देखिए बाथ लाइनन जो मटेरियल है वो फरवरी मंथ में सेल हुआ है 2,809 मेट्रिक टन क्वांटिटी यहाँ लिखा हुआ है। और ये जो है टेक्सटाइल सेक्टर में कौन कौन से मटेरियल कंपनी तैयार करती है वो इधर लिखा हुआ है। समझेंगे ये जो डाटा है फरवरी मंथ का डाटा है, क्योंकि जिस मंथ का व्यापार होता है उसका डाटा कंपनी अगले मंथ के 10 तारीख को प्रेजेंट करती है। तो यह जो अभी 10 मार्च को आया है डाटा, यह पिछले मंथ का जितना व्यापार हुआ है उसका डाटा दिया गया है। और बेड लाइनिंग की बात करें, बेड लाइनिंग भी एक मटेरियल है, होम टेक्सटाइल सेक्टर का एक मटेरियल होता है। यह फरवरी मंथ में सेल हुआ है 2.6 मिलियन मीट्रिक, यह क्वांटिटी है 2.6 मिलियन मीट्रिक, इतना सेल हुआ है कंपनी का फरवरी मंथ में। और यार्न जैसे कि ऊन और धागा वगैरह जो बनता है वो सेल हुआ है फरवरी मंथ में 8,675 मीट्रिक टन, इतना क्वांटिटी कंपनी का यह जो क्वांटिटी यार्न का सेल हुआ है। लेकिन ये ओवरऑल अगर बात करें फरवरी मंथ में कंपनी का जितना सेल हुआ है ये जनवरी के मुकाबले काफ़ी कम है, क्योंकि इसमें जो है बाथ लाइनन और यार्न ये सब जो मतलब समझिए कि एक प्रकार से सीजन अब इसका धीरे धीरे कम होते जा रहा है। अब ठंडा के दिन में ऊन वगैरह का स्वेटर बिनने का ज़्यादा काम आता है, तो ठंडा के दिन में ज़्यादा बिका। हालांकि ऐसा नहीं है कि सेल कम हो रहा है होम टेक्सटाइल सेक्टर में, इस सब का चलते तो अब साल भर कंपनी का बिजनेस ठप रहेगा। क्वालिटी बिजनेस है ये, कभी ठप नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक दो का थोड़ा सा सेलिंग कम हुआ इसकी वजह से नहीं कह सकते हैं सिर्फ कि पूरा साल भर ठप पड़ा रहेगा और ऐसे ही हर माह में कम आता जाएगा, ऐसा नहीं है। अब समझेंगे पेपर डिवीजन में भी कंपनी काम करते हैं। तो पेपर डिवीजन में जो फरवरी मंथ में कंपनी का सेल हुआ है वो हुआ है 12,460 मीट्रिक टन। और इसके अलावा केमिकल सेक्टर में भी कंपनी काम करती है, तो केमिकल डिवीजन का जो इसका सेल हुआ है वो हुआ है 8,607 मीट्रिक टन फरवरी मंथ में। अब समझिए ये बेसिकली तीन डिवीजन का मैंने आपको बताया, होम टेक्सटाइल, पेपर और केमिकल सेक्टर का, जो कंपनी ने कल के डाटा में प्रदर्शित किया था वही मैंने आपको बताया। इसके अलावा कंपनी को अभी जो है 100% एनालिस्ट इसको बाई करने के लिए सजेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि क्वालिटी बिजनेस है कंपनी का और लीडिंग मैन्युफैक्चरर कंपनी टेक्सटाइल सेक्टर में आने वाले समय में काफ़ी ग्रो करेगी। ज़्यादा नहीं, आप बस इसको 2-3 साल अपने पास होल्ड कीजिए अपने पोर्टफोलियो में, या अगर नया इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो बेशक कर लीजिए और इसको 2025 तक संभाल के रखिए, आपको यह कंपनी बहुत ऊपर लेकर जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये जो बातें मैंने आपको बताई आपको समझ में आई होंगी। और अगर मन में कोई सवाल है वीडियो से रिलेटेड मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। पर्सनली मुझसे जुड़कर बातें करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।